सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गेमोरॉक्स टेक। तो मेरे एक प्रीवियस वीडियो में किसी ने मुझसे ये पूछा था कि मैंने अपने ROG Phone 2 में ये जो शॉर्टकट बटन है ये कहाँ से एक्टिव किया, जिससे मैं बिना किसी की को फिजिकली टच किए इतना सारे फीचर को कंट्रोल कर लेता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बहुत आसानी से अपने ROG Phone 2 में इस शॉर्टकट बटन को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने फ़ोन के सेटिंग पे, एंड उसके बाद आपको इसे स्क्रॉल करके नीचे जाना है, एंड उसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शन ओपन करना है, एंड यहाँ पे आपको चूज़ करना है एक्सेसिबिलिटी मेनू, एंड इसके बाद आपको यूज़ सर्विस को ऑन कर देना है, एंड इसको अलाउ करने के बाद आपका जो एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट है वो ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फोर्थ बटन जो है वो यहाँ पर आ चुका है, एंड आपको यहाँ पर ओके करना है, एंड ये सर्विस जो है वो ऑन हो चुका है। एंड तो इसके सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि अभी इसका आइकॉन का साइज जो है छोटा है, एंड आप चाहे तो लार्ज आइकॉन वाला ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, इससे आपका आइकॉन का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। बट मैं छोटा वाला यूज़ करता हूँ तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा। एंड इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि एंड्रॉयड 10 आने के बाद ये जो एक्सेसिबिलिटी मेनू है ये आपके लाइट एंड डार्क थीम के साथ अपना कलर चेंज कर लेता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरा डार्क मोड ऑन है तो ये मेनू जो है वो डार्क है, बट अगर आप अपना थीम जो है लाइट कर देंगे तो ये मेनू भी लाइट हो जाएगा। एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको डार्क किया तो ये भी डार्क हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा अपडेट आया है एंड्रॉयड 10 के बाद। एंड्रॉयड 9 में ये ऐसा नहीं होता था, ये हमेशा लाइट मोड में ही रहता था। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने अपने ROG Phone 2 में ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कहाँ से ऑन किया है, तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप यहाँ आई बटन पर जाके उसे देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल गेमोरॉक्स टेक को ऐसे वीडियोस और भी देखने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।